टिकटॉकर आयशा अकरम से बदसलूकी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। खातून के जिस्म पर खराशें और उंगलियों के निशान पाए गए। मुकदमे में मजीद दफात शामिल, तरमीमी FIR भी दर्ज। ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से बदसलूकी का वाकया। हुकूमत की टिकटॉकर्स के पार्क्स में दाखिले पर पाबंदी। वीडियो बनाने की इजाजत भी नहीं होगी। एंटी राइट फोर्स को टास्क सौंप दिया गया। PHA का पार्क्स के हवाले से इस्लाहत का फैसला। मीनार पाकिस्तान की सिक्योरिटी रेंजर्स के सुपुर्द की जाए। सिर्फ फैमिलीज को आने की इजाजत और मुस्तकिल बुनियाद पर पुलिस चौकी कायम करने की तजवीज। चूंग ज्यादती केस में IG ऑफिस की बौखलाहट। मुकदमा दफा 376 के तहत दर्ज। IG ऑफिस की प्रेस रिलीज में दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात का जिक्र। 780 शामिल ही नहीं। दोनों माँ बेटियां जो है वो बिहाड़ी से मेलसी से आ रही थी चूंग पे, वो ड्रॉप हुई बस से और वहां से उन्होंने रिक्शा लिया। हमने मुलजमान को गिरफ्तार किया और इंशाल्लाह उनको हम लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे। एक मुलजम रिकॉर्ड याफ्ता है, उसका दो दफा पहले रिकॉर्ड है रेप करने का। माँ बेटी बिहाड़ी से आई, सदर जाने के लिए रिक्शे में सवार हुई। कोशिश है मुलजमान को सजाए मौत दिलाई जाए। CCPO लाहौर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ख्वातीन के साथ ज्यादती और हिरासगी के वाकयात। पंजाब असेंबली में लीगी MP राहत अफजा की करारदाद जमा। करारदाद में हिरासा करने के वाकयात रोकने के लिए ठोस इकदामात का मुतालबा। पंजाब पुलिस में 3 अफसरान के तकरर तबादले। कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी DIG ऑपरेशंस लाहौर तैनात। इमरान महमूद RPO फैसलाबाद, डॉक्टर राजा आबिद CPO फैसलाबाद लगा दिए गए। कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। पंजाब में 1280, लाहौर में 586 नए केस। शहर में 16 अफराद ने दम तोड़ा। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 7.9% रिकॉर्ड। अगस्त तक वैक्सीनेशन ना कराने वालों से मुतालिक बड़ा फैसला। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान कहते हैं डेडलाइन के बाद वैक्सीन ना लगवाने वालों को सफर और बड़ी मार्केट्स में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। सदर मॉल रोड नासिर अंसारी की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप। वजीर सनत तजारत में असलम इकबाल ने कैंप का इफ्तिताह किया। ताजर बरादरी ने सूबाई वजीर और जिले इंतजामिया के तआवुन पर शुक्रिया अदा किया। कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन, लेस्को का मुलाजमीन के लिए एहसन इकदाम। मोबाइल वैक्सीनेशन सेंटर का DG एडमिन मियां मोहम्मद अफसल ने इफ्तिताह कर दिया। कहा वैक्सीन ना कराने वाले मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जिले चैप्टर्स का इजलास। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तमाम जालिमाना पॉलिसीज मुस्तरद। कहा NLE और MD कैट इम्तिहान की जालिमाना पॉलिसी कबूल नहीं करेंगे। माहिर तिब्बी माहिरीन से इलाज और अदवियात एक ही छत के नीचे। CMA हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स का लेक सिटी में इफ्तिताह। इमरजेंसी में मरीज की फौरी अस्पताल मुंतकली के लिए एम्बुलेंस सर्विस भी दस्तियाब होगी। लेक सिटी है, इसमें आपको पता है हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं थी, तो यहाँ पर फार्मेसी के साथ मेडिकल ऑफिसर 24 आवर्स हम उन्हें दे रहे हैं। बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी है। उसकी वजह यह है कि अगर कोई सीरियस इमरजेंसी होती है तो बैकअप सपोर्ट में चौधरी मोहम्मद अकरम टीचिंग एंड रिसर्च हॉस्पिटल के जो 500 लोग वहाँ पर मौजूद हैं। CMA हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स की मुल्क भर में 200 ब्रांचेस कायम करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुलरहमान का अज़्म। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक बोले मरीजों को माहिर डॉक्टर्स की सहूलत मुयसर होगी। गाय का जिन बोतल में बंद ना हो सका। फल सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए जरूरिया आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज टमाटर लहसुन समेत सब मसाला जात महंगे हो गए। शहरी परेशानी का शिकार।
मुल्की मईशत की बेहतरी के हुकूमती दावे ठुस होकर रह गए। GDP की बेहतरी के 15 में से 5 अशारिये जमी बोस, 7 अशारियों में कमी, सिर्फ 3 में बेहतरी हो सकी। दुबई एक्सपो पंजाब की इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए स्टेयरिंग कमेटी का इजलास, सूबाई वजीर असलम इकबाल ने सदारत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक्सपो में होने वाले इवेंट्स की मंजूरी दी। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का कल मुलगीर कन्वेंशन का ऐलान। नई मीर कहते हैं ताजरों के मसाइल हल किए जाएं, मसाइल हल ना हुए तो सड़कों पर निकलेंगे, FPR का घेराव भी कर सकते हैं। महकमा रेलवे आर्जी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने से कासिर, 4 माह से तनख्वाहों की अदम फराहमी पर मुलाजमीन का एहतजाज, रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, वजीर रेलवे से नोटिस लेने का मुतालिबा। वजीर आला की जेर सदारत इजलास, नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इजरा, ऑरेंज ट्रेन का किराया फासले के हिसाब से मुतय्यन करने की तजवीज़ का जायजा, वजीर आला का हतमी सिफारिशात काबीना इजलास में पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ कल नैब रावलपिंडी तलब, सदर नून लीग की वकला से मुशावरत, कहा फलाहो बहबूद के मंसूबों में खरबों की बचत की, इंतकामी कार्रवाई की हकीकत आवाम के सामने आ चुकी। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की एहतसाब अदालत में पेशी, अदालत ने केस की मजीद समाअत 23 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। कोई नई जमात नहीं बना रहे, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने दो टोक बता दिया, कहा अलीम खान हो या मैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, नई जमात बनाना होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे छोड़ चुके होते। नून लीग मरकजी क्यादत की आइंदा आम इंतखाबात पर नजर, तैयारियां तेज कर दी, क्यादत का पार्टी के गैर फाल ओहदेदारान को फारिग करने का फैसला, पार्टी रहनुमाओं से खाली ओहदों की फहरिस्त तलब। अवाम के मसाइल जाती समझ कर हल करता हूँ, वजीर आला पंजाब की वफूद से गुफ्तगू, कहा साबिक हुक्मरानों ने पसमानदा अजला के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया, अब पसमानदा अजला तरक्की की दौड़ में शामिल हो चुके। जो टैक्स चोर है वो मुल्क में आजादाना घूम रहे हैं और जो अपोजिशन के सियासतदान है उन्हीं का एहतसाब होना है। अफगान अवाम खुद ही अपने मुस्तकबिल का और अपनी अगली हुकूमत का फैसला करें। अब तक जो अफगान तालिबान के ऐलानात हैं वो तो रीजनेबल है, माजी की निस्बत डिफरेंट है, तो खुदा करे जो वो कह रहे हैं उस पर वो अमल दरामद भी करें। ख्वाजा साद रफीक का एक बार फिर सियासी इंतकाम का निशाना बनाने का इल्जाम, हुकूमत पर कड़ी तनकीद की, तब्दीली का नारा जाली और फ्रॉड करार दे दिया, कहा खत्ते में पायदार अमन के लिए मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। पंजाब की ऑपोजिशन और हुकूमत में जल्द मैच पड़ेगा, फयाजुल हसन चौहान के क्रिकेट मैच कराने के लिए ऑपोजिशन जमातों से राबता, टेप बॉल मैच सितंबर में गवर्नर हाउस या कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज, बल्दियाती नुमाइंदों की मियाद मुकम्मल होने तक नए इलेक्शन नहीं हो सकते, हुकूमत को इंतखाबात का शेड्यूल जारी करने से रोका जाए, मुबशिर जावेद। बैंकिंग कोर्ट में शुगर स्कैंडल केस की समाअत, चीनी स्कैंडल में किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं, 40 अफराद ने दरखास्त जमानत वापस ले ली, FIU ने रिपोर्ट जमा करा दी। इत्तेफाक शुगर मिल्स को भिजवाया गया इनकम टैक्स रिकवरी का नोटिस मुअत्तल, हाईकोर्ट का कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को 30 रोज में फैसले का हुक्म, FPR ने इत्तेफाक शुगर मिल्स को 2 अरब से जायद रिकवरी का नोटिस भेजा था। बच्चे की गुमशुदगी, मुतासरा खातून दादरसी के लिए सेशन कोर्ट पहुंच गई,
मरियम नसीम की अदालत में दुहाई, बच्चे की बाजियाबी के लिए जारो कितार रोने लगी। वजीर आला पंजाब और वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। बुज़दार हुकूमत का शहर की तामीर और तरक्की का एक और शानदार मंसूबा। वज़ीर आला कल शाहकाम चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखेंगे। मंसूबे पर 4 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। वज़ीर बल्दियात की ज़ेरे सदारत इजलास, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जोन 3 प्रोजेक्ट में तरक्याती कामों का जायजा। मियाँ महमूद रशीद को 2000 एकड़ पर मुश्तमिल रोडा जोन 3 प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। CEO LWMC का वैलेंशिया वर्कशॉप और भुगतियां कलेक्शन पॉइंट का दौरा। गाड़ियों की फील्ड में रवानगी और मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। कहा 100% हाजिरी और वक्त की पाबंदी यकीनी बनाई जाए। सात अफसरान के तकर्रों तबादले, अदीला हफीज एडिशनल सेक्रेटरी महकमे खजाना तायुनात, साइमा अहमद एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, गयासुद्दीन अहमद एडिशनल DG लैंड रिकॉर्ड लगा दिए गए। वॉल्ट सिटी अथॉरिटी की अर्जी सुनी गई। मकामी अदालत का रंजीत सिंह का मुजस्मा वॉल्ट सिटी अथॉरिटी को देने का हुक्म। नौजवान की जानिब से मुजस्मा तोड़े जाने के बाद पुलिस ने मुजस्मा तहवील में ले लिया था। FIA की कार्रवाई, आइसको बोगस मीटर स्कैंडल में 5 अफसर गिरफ्तार। अफसरान में वकास, रजब, साकिब, शहजाद और नासिर शामिल। स्कैंडल में मुलव्वस 3 अफसरान ताहाल गिरफ्त से बाहर हैं। आर्टिस्ट सपोर्ट फंड के लिए दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 30 अगस्त तक तौसी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा कहती हैं बड़ी तादाद में दरखास्तें आ रही हैं, कोशिश है सब मुस्तफीद हों। अलखिदमत फाउंडेशन का एहसन इकदाम, मुस्तहिक अफराद में ऑटो रिक्शे तकसीम। तकरीब में सदर अलखिदमत फाउंडेशन लाहौर हमाद रशीद और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मुगीस कुरैशी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। सुपीरियर में 3U1M प्रोग्राम वर्कशॉप का इनेकाद, तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तलबा को डिजाइन थिंकिंग पर लेक्चर्स। तलबा ने कहा बहुत कुछ सीखने को मिला है। वजीर आला पंजाब से ऑक्सीजन के बगैर K2 सर करने वाले कोहपेमाओं की मुलाकात। सरदार उस्मान बुज़दार ने काबिल फखर कारनामा सर अंजाम देने पर कोहपेमाओं की तारीफ की। वजीर आला पंजाब ने 10 लाख रुपए का चेक भी दिया। DG स्पोर्ट्स की जेरे सदारत इजलास, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर 5A साइड नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप कराने का फैसला। अदनान अरशद औलख का कहना है चैंपियनशिप 7 से 12 सितंबर तक होगी। स्पोर्ट्स फेडरेशन के उहदेदारों और खिलाड़ियों का एहतजाज। सदर ओलंपिक्स एसोसिएशन आरिफ हसन, सेक्रेटरी खालिद महमूद के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहरीन के गो आरिफ गो, गो खालिद गो के नारे। ओलंपिक्स में जग हसाई फिर भी सदर ओलंपिक्स एसोसिएशन की मैं ना मानूं की रट। मुस्तफी होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म को गलत ब्रीफ किया गया, जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से निभा रहा हूं।